स्वादिष्ट व्यंजन डॉट ओ बीडिया डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लेमन राइस। लेमन राइस एक जो राइस बनते हैं हमारे और साउथ में ज़्यादा खाए जाते हैं और अच्छे भी हैं। और इसके लिए जो हमने सामग्री लेनी है, कड़ी पत्ता 10-12 पत्ते और चने उड़द की धुली हुई दाल 1 चम्मच, पीसी हुई हल्दी 1/2 चम्मच, सरसों के दाने 1/2 चम्मच, रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच, चने की दाल 1 चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून और रेड सूखी हुई मिर्च 3-4, पीनट मूंगफली 6-7 दाने, लेमन जूस 1 चम्मच, हरी मिर्च 3-4, राइस उबले हुए 1 गिलास। अब बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। सबसे पहले नॉन स्टिक कढ़ाई या कोई कढ़ाई ले सकते हो, अब इसमें रिफाइंड करना है। जब घी गर्म हो जाए बहुत ही झटपट बनने वाली चाय राइस है। सबसे पहले कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता क्रक हो जाए और साथ में डालूंगी सरसों। सरसों थोड़ी सी क्रक हो जाएगा थोड़ी सी ब्राउन होगी। अब कर लूंगी चने की दाल, चने की दाल के साथ ही डालूंगी मैं उड़द की धुली हुई दाल, थोड़ा सा ब्राउन होने दें। जब ब्राउन हो जाए तो डालेंगे हम लोग साबुत लाल मिर्च, दाल कच्ची ना हो तो उसे ब्राउन होने दें। दाल ब्राउन होगी और अब इसमें डालेंगे साबुत मिर्च, अब डालेंगे नमक, गैस लो करेंगे और हल्दी पाउडर। अब डालेंगे राइस उबले हुए, राइस के साथ लेमन जूस
पीनट अब इसको अच्छी तरह से डालेंगे। थोड़ा सा कलर भी येलो हो हल्दी के साथ ही चल रहा है इसका। और हल्दी वैसे ही खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छे से मिक्स करें। अब इसको ढक दें 7-8 मिनट के लिए। गैस थोड़ा फुल करूंगी, फिर 2 मिनट के बाद मैं स्लो करूंगी। एक जो लेमन राइस है, एक तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे कई बार हर इंसान को मैंने बीमार होता रहता है, हर चीज़ के लिए उनको टेस्ट अलग से होना चाहिए। और जो लेमन है राइस है, लेमन राइस हैं बहुत ही टेस्टी और जल्दी ही हजम होने वाले हैं। और इसके साथ भूख भी लगती है अगर दिन में 2-3 बार नींबू लिया जाए, और भूख बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाती है और हाजमा भी ठीक रहता है। कोई मेरा ख्याल है मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें विटामिन ई होता है और अच्छी तरह से सेहत के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। मैं सब गैस सिम करूँगी, अब इसको हिलाएं। बस अभी राइस बनने वाली है। अब राइस बनकर आपके तैयार हो चुके हैं। गैस मैंने बंद कर रही हूँ, थोड़ा किसी डॉल में निकाल लें। किसी ट्रे में डालें, राइस ट्रे में किसी बॉल में डालें तो अच्छा लगता है। क्रिस्पी राइस आपके तैयार हो चुके हैं। ये आपके लेमन राइस तैयार हो चुके हैं और क्रिस्पी हैं और खाने जा रही हैं। और हफ्ते में मेरा ख्याल है 2 बार तो ले लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा राइस ठंडे होते हैं, और जैसे किसी को बुखार है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी के दिनों में ये राइस जो है ठंड तक चल रहे हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी ठीक रहते हैं।